रीवा सीधी के मध्य बनी वर्ल्ड क्लास टनल की नहर फूट गई है। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। गुरुवार देर रात रीवा सीधी के बीच बनी वर्ल्ड क्लास टनल में नहर का पानी भर गया। नेशनल हाईवे 39 पर 2 घंटे यातायात बंद रहा। रात में ही नहर का पानी बंद कराया गया। शुक्रवार सुबह पानी निकल जाने के बाद टनल को फिर से चालू किया गया है। बाणसागर की मुख्य CWC नहर फूटने की जानकारी सीधी जिला प्रशासन के माध्यम से शहडोल स्थित देवलौंग बांध के अफसरों को दी गई। तब पानी बंद किया गया। हालांकि पानी का वेग कम होने में 4 से 5 घंटे का समय लग गया। मोहनिया टनल के अंदर पानी भरने की जानकारी मिलते ही चुरहट विधायक सरदेन्द्र तिवारी, सीधी कलेक्टर, SP भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने बाण सागर के अधिकारियों से बात कर CWC मुख्य नहर के पानी को नीचे की ओर डाइवर्ट कराया, तब टनल की ओर जाने वाला पानी बंद हुआ। यह वही टनल है जिसका 10 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया था। सीधी जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से टीम बनाई, टनल के अंदर जा रहे पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और बाण सागर के अधिकारियों ने तय किया कि अगर फूटी नहर का पानी डाइवर्ट हो जाए तो वर्ल्ड क्लास टनल को कोई भी खतरा नहीं होगा। ऐसे में JCB की मदद से हाईवे के नीचे जाने वाली नहर में पानी डाइवर्ट कर बड़े हादसे को रोक दिया गया है। मोहनिया सुरंग की लंबाई टोटल 2280 मीटर है, जो 6 लाइन की है, जिनमें 3 लेन आने के लिए और 3 लेन जाने के लिए है। सुरंग के अंदर आपस में 7 स्थानों को जोड़ने के लिए अंदर पास दिए गए हैं। यदि कोई वाहन बीच में वापस लौटना चाहे तो सरलता से लौट सकता है। सुरंग के साथ सीधी की ओर घाटी से लेकर चुरहट तक 15.7 किलोमीटर का 4 लेन बाईपास बनाया गया है। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।